नमस्कार, मैं प्रेम जन सरोकार मंच से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी ये पहली कहानी है। मैं पहले आपको अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं प्रेम और साहित्य से तो मेरी पहले से बहुत पहचान है और मैं पढ़ती रही हूँ और बहुत लगाव है, क्योंकि हिंदी हमेशा मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट रहा है। पर जब से कोरोना आया है, लिखना मैंने तब से शुरू किया है। तो मेरा ये पहला मौका है जब मैं कहानी अपनी बोल रही हूँ। हालांकि लोगों से मिलना, बात करना मुझे बहुत पसंद है और हमेशा मैं किससे कहानियाँ कहती रही हूँ, पर उनको पन्नों में उतारना अब शुरू किया है। मैं पहले जब छोटी रही थी तब भी मेरे पिताजी का बहुत कहानी किससे कहने का बहुत शौक था और हम सुना करते थे। मुझे आज याद है कि रात को सोने से पहले हमेशा ही वो कोई एक किस्सा हो या तो कि वो हमेशा कोई ना कोई किस्सा सुनाते ही रहते। तो इससे शुरू से ही था, लिखती भी थी पर इतना सीरियसली कि उसको एकदम फॉर्मेट उसका अच्छा हो और कहानी के रूप में, ऐसा कभी सोचा नहीं। ये सब कोरोना में ही दिमाग में आया कि मुझे सब करना चाहिए और शुरू कर दिया। आप सबका सहयोग मिलता रहे तो ये करती रहूंगी मैं आगे भी। तो मैं अपनी कहानी शुरू करना चाहती हूँ। इस कहानी का शीर्षक है वो 3 घंटे। रात के करीब 2 बज रहे हैं। सोने नहीं दे। आज उसकी बेटी पीहू का 10th का रिजल्ट आया था, जिसके बाद से सभी तनाव में हैं। ये तनाव और कुत्तों का रोना दोनों ने इतना मजबूर कर दिया कि मानसी उठकर बाहर बरामदे में आ गई और वहीं पसर गई। मानसी को बाहर आए 10 मिनट में ही हुए होंगे, किसका पति रवि भी उठकर बाहर आ गया। क्या हुआ मानसी, बाहर क्यों बैठी हो, मानसी के पति ने पूछा। कुछ नहीं, नींद आ रही थी। पीहू कहाँ है, पीहू तो सो रही होगी ना अंदर। नहीं, अंदर तो नहीं है, घबराते हुए कहा मानसी। ना चाहते हुए भी उठ खड़ी हुई। अंदर ही होगी, ढंग से देखो तो सही, वॉशरूम में गई होगी। वॉशरूम से ही आ रहा हूं मैं। मानसी कमरे में गई, पीहू के पलंग को खाली देकर घबरा उठी। छत पर देखकर आती हूं। मानसी तेज तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर गई और पीहू छत पर भी नहीं दिखी। चारों तरफ बस अंधकार ही पसरा हुआ। मानसी ने अपने बेटे रोहन को उठाया जो बैठक में सो रहा था। पीहू हमेशा मानसी और रवि के पास ही सोती है। कमरे में एक डबल बेड के साथ एक सिंगल बेड भी लगा रखा है पीहू के लिए। रोहन उठो, पीहू को देखा क्या, मानसी ने घबराते हुए। पीहू कहाँ गई है, तुम्हें कुछ बोला क्या, रोहन आंखें मसलते हुए। क्या हुआ मम्मा, इतनी रात को कहाँ गई होगी, यहीं होगी। अब तक मानसी का रोना छूट चुका था, वो परेशान हो चुकी थी। रोते हुए रोहन, पीहू कहीं दिख नहीं रही है बेटा। रोहन भी अब तक नींद के सिकंजे से बाहर आ चुका था और तीनों एक दूसरे को देख रहे थे और समझ चुके थे कि वह एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। जब तुम बाहर आई थी तो दरवाजा खुला था क्या, रवि ने पूछा। नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, मेरे को क्यों ध्यान नहीं, मुझे बिल्कुल याद नहीं कि मैं बाहर आई थी तब दरवाजा खुला था क्या। फिर कहाँ जा सकती है, तीनों सोचे जा रहे थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तीनों बहुत बुरी तरीके से घबरा चुके थे कि अब आगे क्या होगा। रवि को बहुत गुस्सा आ रहा था और गुस्से में मानसी की तरफ देखते हुए बोला, तुम दोनों माँ बेटे ने ही उसको सर पे चढ़ा रखा है, तभी इतनी रात को घर से बाहर कदम रखने की हिम्मत दिखाई उसने।
पापा प्लीज अभी तो ताने मत मारो, पहले उसे ढूंढ लो, रोहन झुंझलाते हुए बोला। रवि कार की चाबी उठाते हुए मानसी की तरफ देखकर बड़बड़ करने लगा। पंख दिए हैं, खुला आसमान भी दूंगी अपनी बेटी को। दे दिया खुला आसमान आधी रात को उड़ने के लिए? दिमाग खराब कर रखा है माँ बेटी ने मिलकर। चारों लोग के इस परिवार में दो खेमे बने हुए थे, एक में माँ बेटा और बेटी और एक खेमा अकेला पिता का। रोहन ताला खोलो मेन गेट का, अचानक कुछ सोचते हुए रवि बोला। मेन गेट पे तो ताला लगा हुआ है, वो बाहर कैसे गई? रोहन गर्दन नीचे करते हुए बोला, पापा वह दीवार फांस सकती है। हम दोनों दो तीन बार एयरपोर्ट वाली रोड पर रात को कॉफी पीने गए थे जब आप और मम्मा सो गए थे। रवि ने गुस्से से फिर मानसी की तरफ देखा, जैसे सारी गलती उसी की हो। मानसी का तो हाल ही बुरा था, सोफे पर ही जम गई हो जैसे, और दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे को नोच रही थी जैसे उसी के हाथ में था पीहू को रोकना। रोहन प्लीज बेटा समय बर्बाद मत करो, जाओ ढूंढो उसको, मानसी झुंझलाते हुए बोली। मम्मा आपने उसे फोन किया था क्या? अरे हाँ रोहन, फोन तो करो उसे, कहाँ गई इतनी रात को? रोहन ने कॉल किया पर पीहू का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था और उम्मीद बनी भी नहीं उसी से पहले टूट गई। रवि बोला, उसकी सहेलियों को फोन करो, क्या पता उनके साथ हो। पर उसकी किसी सहेली का नंबर तो है ही नहीं हमारे पास, वो सब तो उसी के मोबाइल में है। वाह बहुत बढ़िया, सारे दिन तीनों सगड़ पंचायती करते रहते हो, काम की बात भी करते हो कभी? रवि गुस्से में बाहर निकल गया, रोहन भी साथ चला गया। कार की आवाज मानसी के कलेजे को चीरते हुए गायब हो गई। मानसी उठकर वापस बरामदे में आ गई, अब तक कुत्तों का रोना जारी था। मानसी कल के दिन में चली गई, पीहू का रिजल्ट निकला था। आज सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर थे पर गणित में सप्लीमेंट्री। रवि बहुत गुस्से में, बस सारे दिन मोबाइल में लगी रहती हो, बोर्ड के एग्जाम में तो ढंग से पढ़ सकती थी, उस पर से सप्लीमेंट्री आने के बाद भी इतने आराम से बैठी हो। पीहू ने कहा, पापा मुझे नहीं आती मैथ वैथ, गणित वणित मैं नहीं पढ़ सकती, और सप्लीमेंट्री हुई हूँ, फेल नहीं हो गई हूँ। सही बात है बेटा, सप्लीमेंट्री हो, फेल नहीं हूँ। हाँ पापा फेल नहीं हूँ, और बोर्ड वाले सप्लीमेंट्री में फेल नहीं करते, पास हो जाऊंगी मैं। सही बात है बेटा, सारी जानकारी तुम्ही को तो है, बोर्ड वाले तुम्ही से पूछ कर पास फेल करेंगे, एक आंसू भी नहीं टपका आंख से। आप क्या चाहते हो पापा? सुसाइड कर लूं मैं? वार्तालाप चली जा रही थी और मानसी दोनों बाप बेटी को देखे जा रही थी, और सुसाइड शब्द सुनते ही मानसी फिर से बुदबुदाने लगी। कहीं पीहू ने सुसाइड? नहीं 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 ऐसा तो नहीं हो सकता, वो तो बिल्कुल तनाव में नहीं थी। शाम को भी मोबाइल पर नेटफ्लिक्स ही देख रही थी और बोल भी रही थी, आज ही सारे एपिसोड देख लूंगी मम्मा, पापा का कोई भरोसा नहीं, कब मोबाइल ले ले मेरा। अपना सिर पकड़ के वहीं बरामदे में पड़ गई मानसी। उसकी हाथों की उंगलियां शांत ही नहीं हो रही थी, और अब पांव भी कभी थम के जमीन पे पड़ जाते तो कभी चहलकदमी करने लगे थे। आंखें भी निरंतर बह रही थी, बस सब कुछ चला गया उसके जीन से। चहलकदमी करते करते जीरो वोल्ट के बल्ब पर नजर पड़ी मासी की, जिसके इर्द गिर्द एक पतंगा चक्कर लगा रहा था और छिपकली वहीं पे घात लगाए बैठी थी। भिन्न भिन्न करता वो पतंगा और छिपकली एक टुक देखे जा रही थी मानसी को, और ये इतना खतरनाक उसे आज तक कभी नहीं लगा। तभी अचानक से छिपकली लपकी और पतंगे को मुंह में दबाकर गायब। मोटरसाइकिल की तेज हॉर्न की आवाज ने मानसी का ध्यान भंग किया। दो तीन मोटरसाइकिल एक साथ जिनपे सवार तीन तीन लड़के चिल्लाते गाते जा रहे थे इस आधी रात में, शायद किसी पार्टी से आ रहे हो, या शायद पी रखी हो। मेरी प्यारी फूल सी बेटी, कहीं नजर पड़ी उन ऐसी टोली की उस पे तो छोड़ेंगे क्या? और फिर से निर्भया याद आ गई मानसी को, एक बेटी की माँ है ना, कभी भूल ही नहीं पाई उस हादसे को, और ना ही न्यूज़पेपर भूलने देते हैं, एक निर्भया थोड़ी है इस देश में। मानसी अपने बाल नोचते हुए, ये मैं क्या सोच रही हूँ, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, बेटी है वो मेरी। हर बार छोटी बड़ी मुसीबत पर भगवान के आगे बैठने वाली मानसी अंदर भी नहीं जा पा रही थी कि अपनी बेटी की हिफाजत मांग ले भगवान से, उसे अपना घर ही भूतिया लग रहा। अभी कुत्तों की रोने की आवाज
तेज तेज भौंकने में बदल चुकी। लग रहा है कि किसी दूसरी गली का कोई कुत्ता आ गया है और सबने उस पर हमला बोल दिया है। अगर पीहू को किसी कुत्तों की टोली ने दबोच लिया तो इन्हें कहाँ पसंद आता है किसी का रात को इस तरह दखल अंदाजी करना। अकेली अकेली गई कैसे वो, एक बार आ जाए बस खाएगी मेरे हाथ से। मन ही मन बुदबुदाए जा रही मान से, एक बार आ जाए बस वो चाटा खाएगी, बुदबुदाए जा रही मान सी। क्या पता वो अकेली ना गई हो, फिर से एक नया विचार आदम का मानसी के मन में। क्या उसको किसी से प्यार हो सकता है, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा, पर वो तो मुझसे कभी भी कुछ नहीं छुपाती, ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता। फिर कहाँ गई मेरी बच्ची, बार बार भाव बदलते जा रहे मानसी के विचारों के साथ साथ कभी बहुत प्यार से याद आ रही अपनी बेटी, कभी बहुत गुस्से से, तो कभी दया आ रही, तो कभी सोचे जा रही इतनी गहरी रात में कहाँ अकेले भटक रही है। मानसी फिर से मेन गेट पर आकर खड़ी हो गई और दोनों तरफ निगाह डाल रही, कहीं से भी आती हुई दिख जाए मेरी बच्ची, बस एक बार कहीं से भी दिख जाए। घर के सामने ही पेड़ के नीचे तीन चार गाय बैठी हुई सुस्ता रही। मानसी फटाफट से भागकर रसोई में गई और जितनी भी रात की रोटियां और फ्रिज में रखी हुई हरी सब्जियां सब निकाल लाई और गाय के आगे रख दी, जैसे रिश्वत दे रही हो गाय को। करते हैं ना हम सब कई बार ऐसे कि हाँ ये काम हो जाए, जैसे रिश्वत दे रही हो गाय को और जैसे वो बता ही देगी अभी कि कहाँ है पीहू। पेड़ के आसपास छोटे बड़े झाड़ियां भी थी और उन झाड़ियों में से कुछ आवाज आई। मानसी की आंखें सतर्क हो गई और कान भी। पीहू, उसने धीरे से आवाज लगाई। तभी पेड़ के पीछे से एक आदमी निकल कर आया। अरे ये तो भिखारी है जो रोज गली में घूमता रहता है। मानसी घबरा के घर के अंदर चली गई और भिखारी वहीं खड़ा गेट के सामने मानसी को देखकर हंसने लगा। ये हंस क्यों रहा है, ये कुत्ते इसे भगा क्यों नहीं देते, सोचने लगी मानसी। मानसी को क्या पता कुत्ते और भिखारियों में बहुत गहरा रिश्ता होता है, जगह भी बांट लेते हैं और रोटी भी। हे मेरे भगवान क्या करूं, मानसी ऊपर आसमान की तरफ देखने लगी। चांद कहीं नजर नहीं आ रहा, हाँ तारे सभी टिमटिमा रहे हैं। काश की तारे बोलते होते तो मुझे बता ही देते कि पीहू कहाँ है, इन्हें तो बस सुनना ही आता है। ध्यान भंग हुआ मानसी का ट्रक के हॉर्न से, अलग सा म्यूजिक देते ये ट्रक वाले भी। घर की गली से बाहर निकलते ही हाईवे रोड है जहां से रात को ट्रक का कारवां चलता रहता है। मेरी बेटी को तो पीहू को तो ढंग से रोड भी क्रॉस करनी नहीं आती, क्या किया होगा उसने, किसी ट्रक ने अगर कुचल। नहीं नहीं ये क्या सोच रही हूं मैं, और फिर से घबरा जाती है मानसी। विचार आने बंद ही नहीं हो रहे हैं उसके दिमाग में, क्यों मैं इतना उल्टा सोचे जा रही हूं। रोना थम ही नहीं रहा था मानसी का और अब की बार उसने हिम्मत करके सोचा घर के अंदर जाऊं। भगवान के आगे खड़ी हो ही गई और उस जगह पहुंच गई जो उसके पति के लिए स्टोर पर उसके लिए मंदिर था। भगवान के आगे बैठ जाती है और दिया जला लेती है जैसे बस अब यही एक आखिरी रास्ता बचा हो उसकी बेटी के वापस आने का। पता नहीं भगवान को किसने देखा किसने सुना, पर एक उम्मीद का नाम जरूर है भगवान। मानसी भगवान से कुछ मांगती उससे पहले ही कार की आवाज उसके कानों में पड़ी और वो तुरंत उठकर बाहर आ गई अपनी प्रार्थना अधूरी छोड़कर। कार की आवाज, पीहू को ले आए होंगे दोनों बाप बेटे, पर ये क्या, कार से सिर्फ रवि और रोहन ही उतरे, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। मानसी का दोनों को अकेला देखकर वो फिर से जमीन पर गिर पड़ी। रोहन ने संभाला, मम्मा मत घबराओ सब ठीक हो जाएगा। अब तक रवि जो इतनी देर से गुस्से में था और हिम्मत बांधे हुए था टूट चुका। मानसी के कंधे पर हाथ रखते फूट फूट के रोने लगा। मैं दुश्मन नहीं हूं उसका, अपनी प्यारी सी फूल सी बेटी को बहुत प्यार करता हूं, पर ये सब मेरी ही गलती से हुआ, मैंने क्यों डांट लगाई उसे। रोहन बोला, नहीं पापा वे जरूर घूमने गई होगी अपने दोस्तों को साथ, आप परेशान मत हो जाओ वो जल्दी ही आ जाएगी, दिलासा देने लगा रवि बोला। पर दिलासा देते देते रवि भी बोला, और अगर वह नहीं आई तो, और इस तो ने तीनों को थाम दिया। तीनों अंदर तक हिल गए, ना तो मुंह से आवाज ना आंखों से आंसू, जैसे सब रुक गया हो। मानसी अब दूसरे सवालों में उलझ गई, क्या करे अब, पुलिस को फोन। रवि से बोली, क्या हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। नहीं नहीं अभी पुलिस को फोन नहीं कर सकते,
चौबीस घंटे से पहले कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखेगा और पुलिस वालों का कोई भरोसा भी नहीं है। अगर उन्हें कोई न्यूज़ नहीं मिली तो वो यही न्यूज़ दे देंगे पेपर वालों को। रवि, आप जेठ जी को फ़ोन क्यों नहीं करते, उनको बताओ। रवि फिर गुस्से में, क्या बोलूँ, मेरी बेटी भाग गई आधी रात को, तुम क्यों नहीं कर देती हो अपने भैया को फ़ोन। दोनों एक दूसरे को ऐसी नजरों से देखने लगे। इतने अपने होने के बाद भी आज दोनों अकेले पड़ गए। अपना ये दुख किसी को भी साझा नहीं करना चाह रहे थे। अगर पीहू वापस नहीं आई तो रवि, हम लोगों को तो मर ही जाना चाहिए। अब सब सवाल करेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? क्या ये शहर छोड़ के चले जाए या मर जाए? फिर एक नजर रोहन की तरफ डालकर, इसकी क्या गलती है, इसने क्या किया? और चिड़ियों की चूचू ने एहसास करा दिया कि 5 बज चुके हैं, 2 से 5। रवि बोला, मानसी अंदर चलो, अभी आस पड़ोस में सब उठ गए तो हमें देखकर सवाल करेंगे क्या हुआ। अंदर जाते हुए मानसी का हाथ दरवाजे की कुंडी पर पड़ा। 2 दिन पहले ही तो सरसों का तेल डाला था इसमें, कितनी आवाज करता था बंद करते खोलते वक्त। वास्तु दोष निवारण के लिए किया था ना, काश ऐसा ना किया होता तो पीहू ने जब दरवाजा खोला होता तो मुझे आवाज आ गई होती। अंदर तो आ गए तीनों, पर दरवाजा खुला ही छोड़ दिया पीहू के इंतजार में। तीनों बेडरूम में आकर चुप से बैठ गए सोच में कि अब आगे क्या करना है। तभी न जाने कहां से एक छोटी सी चिड़िया अंदर आ गई, ची ची करते और सीधे ट्यूबलाइट पर आकर बैठी। मानसी हड़बड़ा के उठी, रोहन पंखा बंद करो जल्दी। पर इसे तो कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, टकरा गई पंखे से और पलंग पर गिर पड़ी लहूलुहान। मानसी के मुंह से चीख निकल ही गई और साथ ही अलार्म की आवाज पीहू के पलंग के नीचे से। रोहन नीचे झुककर देखा, अलार्म बंद करते हुए बाहर निकली पीहू। आप सब सोच रहे होंगे ये कहां से आ गई, क्या हुआ मम्मा, बोलते हुए पीहू की नजर चिड़िया पर गई। दरवाजा खुला क्यों छोड़ा मम्मा, चिड़िया ही तो है, उड़ना ही तो चाहती है, इसे क्या पता खतरा है इसकी जान को, आप ध्यान नहीं रख सकती थी क्या? मानसी तो बस पीहू को अपने कलेजे से चिपकाए जकड़ कर बैठ गई और रोए जा रही। पीहू भी सोच रही कि एक चिड़िया ने जान गंवा दी पर माँ को बहुत तकलीफ हो रही है। रवि भी डबडबाई हुई आंखों से पीहू की तरफ देखे जा रहा और मन ही मन बोल रहा कि अब आगे से अपनी बच्ची पर कभी गुस्सा नहीं होगा। और मानसी भी शायद एक वादा कर रही अपनी बच्ची से कि आगे से ये गलती नहीं होगी, ख्याल रखूंगी, आखिर एक चिड़िया ही तो है। तो ये मेरी एक छोटी सी कहानी थी, वो 3 घंटे जो हर हमारे आसपास आप सब लोगों के साथ भी बहुत बार होता होगा कि हम जाने अनजाने ऐसी नेगेटिव सोच में घिर ही जाते हैं। बच्चा लेट आया या बच्चा फोन नहीं उठा रहा या कोई भी बात, कोई भी दूसरी बात भी, हम घिर जाते हैं कि पता नहीं कहाँ होगा बच्चा, हमारा बच्चा, हमारा कलेजे का टुकड़ा, और ये नेगेटिव सोच हमें घेर लेती है। पर मैं आज आपसे ये कहानी इसलिए है कि डर होना, डर आना दिमाग में जायज है, पर इतना नेगेटिव ना हो तो ज्यादा अच्छा है। अभी रिपोर्ट ही नेगेटिव आए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, विचार पॉजिटिव रखें, विचार हमारे पॉजिटिव होने चाहिए, चाहे रिपोर्ट कितनी ही नेगेटिव, रिपोर्ट नेगेटिव हो। मैंने ये कहानी पहली बार बोली इसलिए हो सकता है शायद मैं कुछ गलतियां कर रही हूं, पर ठीक है, धीरे धीरे लिख तो लिया है, अब धीरे धीरे बोलना भी आ जाएगा। आप जैसे सुनने वाले अगर सामने बैठेंगे और मोटिवेट करते रहेंगे, खासतौर पे महेश जी, अब लगातार मेरी कहानी सुन रहे हो। और एक कहानी सुना दूँ, एक छोटी सी कहानी सुना देती हूँ, ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, एक नॉर्मल सी कहानी, एक हस्बैंड वाइफ की कहानी। जो पहली कहानी जो मैंने लिखी थी अपनी, वो उस कहानी का शीर्षक था पंख, और वो भी कुछ इसी तरीके से थी कि हाँ
मुझे पंछियों से, पशुओं से, पेड़ पौधों से कुछ ज्यादा लगाव है, तो वो आ ही जाते हैं ना चाहते हुए भी मेरी कहानी में से, कहीं ना कहीं से घूम फिर कर। तो वो भी कहानी एक बहुत प्यारी सी छोटी सी कहानी थी, जिसमें एक महिला अकेले पूरे दिन अपने घर में रात का इंतजार करती रहती थी कि रात आएगा और पति रात आएगी और पति आएगा, और वो पूरे दिन घर में एकदम फ्री रहती है, और उससे लगता कि वो एकदम अकेली है इतने बड़े घर में, उसके साथ कोई भी नहीं है। तभी बस वो सुबह सुबह का उसका एक नियम था कि वो मॉर्निंग वॉक पे गार्डन जाया करती थी, घूमा करती थी, आसपास देखा करती थी। और तभी उससे एक तोता टकरा गया, घायल तोता, और वो उस तोते को अपने साथ ले आई। प्यारा सा घायल सा तोता वो छोड़ ही नहीं पाई, किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया, शायद उसको वो ही अच्छी लगी होगी कि हाँ यही संभाल सकती है इस तोते को, और वो अपने साथ उस तोते को ले आई थी अपने घर में। पूरी तरीके से मुझे एकदम जिस तरीके से मैंने लिखा याद नहीं, मैं उसमें बताना चाह रही हूँ कि वो उस कहानी में क्या था। तो जब वो तोते को लेकर आई, वो तोता बहुत खुश था, उसने खिलाया उसको, उसने खाया, आराम से बैठा उसके साथ, सब कुछ था। पर उसको काम बहुत था, वो इधर उधर काम में अपने व्यस्त रहती, तो बार बार उसको ये चिंता सताती थी कि कहीं कोई बिल्ली ना आके उस तोते को ले जाए, क्योंकि एक बड़े घर में बीच में बरामदा, जहाँ पे कभी भी बिल्ली भी आ जाती थी, कुछ भी आ जाते थे, लोग आए ना आए, पर हवा, बिल्ली, पंछियों के लिए दरवाजा खुला रहता था उसका। तो उसे एकदम से याद आया कि पड़ोस में एक पिंजरा रखा हुआ है जिनके पंछी सारे उड़ चुके हैं, पर वो पिंजरा उनका अभी भी वहीं पे है। तो वो जाके उनसे पिंजरा ले आती है कि चलो इसको, तोते को पिंजरे में रख दे तो ये सेफ रहेगा, इसको बिल्ली का शिकार ना होना पड़ेगा। वो पिंजरा लाती है, पिंजरे को साफ करती है, तोते महाराज को उसमें बिठाती है बड़े प्यार से, और फिर उसके लिए उसका भोजन रखती है। पर वो तोता खाना बंद कर देता और ची 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 लगातार चिल्लाना शुरू उसका। उसे समझ में नहीं आता क्यों चिल्ला रहा है वो, उसके पसंद के टमाटर, हरी मिर्ची, क्योंकि पंछियों से लगा उसको पता ही था कि उसको हरी मिर्ची, टमाटर ये सब बहुत पसंद है। ठीक है, तो वो लगाती है पर वो नहीं खाता, वो जिद्दी तोता चिल्लाता ही जाता है, चिल्लाता ही जाता है। फिर आभास होता है उसको कि हाँ पिंजरा कभी सुकून नहीं देता, और आप जब तक अपनी आजादी से चाहे इधर उधर फड़फड़ा करके उड़ के ना मिले, पर अपनी कोशिशों से जब तक कुछ ना पाते हो, तो वो खाना भी शायद उसको आनंद ना देता हो। ये बात उसके दिमाग में इतना घर कर गई कि वो गई उसको तोते को लेकर के वापस, उसे लगा कि हाँ अब ये बेटर है, पहले से ठीक हो गया है, और वो उस तोते को वापस उस गार्डन में ले जाती है और एक बड़े से अशोक के पेड़ पे उसको बैठा देती है। और वो देखती है कि वो खुश हो रहा है तोता, और अपने पंख खोल रहा है, फड़फड़ा रहा है उड़ने की तैयारी में, और इस तरीके से वो उड़ जाता है। और उसको देख के वो बहुत खुश होती है, घर आती है, तुरंत घर आते ही सबसे पहले वो अपनी अलमारी खोलती है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स निकालती है, और उसके बाद लेती है अपना पेपर और देखती है उसके लिए कहाँ जॉब है कोई। बस यही था उस कहानी का, छोटी सी कहानी थी, मैं अभी छोटी ही कहानियां लिखना शुरू की हूँ। देखे अब आगे। हाँ, पिंजरे सुकून नहीं देते महेश जी, और पिंजरे का मतलब ये नहीं कि सलाखों वाला ही पिंजरा हो, पिंजरा रिवाजों का भी हो सकता है, पिंजरा और चीजों का भी हो सकता है। पिंजरा का मतलब ये है कि अगर आप अपनी अपनी तरीके से नहीं जीवन जी पा रहे, तो वो पिंजरा ही है, वो जीवन ही पिंजरा है। तो पिंजरा कभी सुकून नहीं देता, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर जब हम चाहे हमारे पास कम सुविधा हो, कम सुकून हो। एक कहानी और पढ़ने के लिए कहा जा रहा है मुझे। इस कहानी का शीर्षक है पिरोड़ी। प्रिया, ओ प्रिया, देखो तो कौन है बाहर, चाय के संग अखबार को पीते हुए सुधांशु ने कहा।
देखती हूँ कुछ झुंझलाते हुए प्रिया रसोई से बाहर आई और मन ही मन बुदबुदाने लगी, कौन है ना जाने। डोरबेल लगी हुई है फिर भी दरवाजा पीटे जा रहा है। दरवाजा खोला तो देखा सामने एक नाटा सा आदमी धोती कुर्ता पहने खड़ा है। अकेली नहीं है, उसके साथ देसी ठर्रे की गंध भी जैसे पूरे घर में धाकी लोने को उतावली लग रही हो। प्रिया ने कुछ अजीब सा मुंह बनाते हुए पूछा, बोलो क्या काम है। अरे भाभी जी प्रणाम, मैं करोड़ी लाल हूँ। भाई साहब कहाँ है। प्रिया के जवाब का इंतजार किए बिना ही वे अंदर दाखिल हो गया। जानी पहचानी आवाज सुन सुधांशु भी बाहर निकल आते हैं और मुस्कुराते हुए करोड़ी से मुखातिब होते हैं। अरे करोड़ी जी क्या हाल चाल है। फिर वो प्रिया से बोलते हैं, ये करोड़ी लाल जी है, अपनी शादी का सारा खाना इन्होंने ही तैयार किया था। प्रिया उन्हें नमस्ते करती है और ये कहते हुए रसोई में चल देती है कि चाय बनाकर लाती हूँ। वो रसोई की ओर बढ़ने लगती है कि करोड़ी भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। अरे भाभी जी थे तो अठे ही बैठो, मैं अब चाय बना लाऊ। अरे नहीं नहीं करोड़ी जी आप बैठो मैं बना लूंगी। अरे नहीं भाभी जी थे तो बैठो। ठीक है, प्रिया मुस्कुराते हुए कहती है, पर मैं आपको चाय चीनी तो बता दूं। अजी हलवाई हाँ, रसोई में कौन सा माल कोड़े धरियो है ढूंढी लेसा, थे तो जाओ। प्रिया फिर ज्यादा कुछ नहीं बोली। वैसे भी उसके जिस्म से तेजी से आती देसी ठर्रे की गंध ने सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वे ड्राइंग रूम में बैठे सुधांशु के पास आकर धीरे से फुसफुसाती है, ये क्या आफत है, इसके कपड़े कितने गंदे हो रहे हैं, लग रहा है कि 8-10 दिन से नहाया भी नहीं, ऊपर से ये गंध। अरे जाने मन, तुम्हारी प्रॉब्लम दूर करने के लिए ही तो बुलाया है, रुद्राक्ष का जन्मदिन है ना। हाँ मगर आपने तो कहा था कि इस बार खर्चे ज्यादा हो गए हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। अरे यार बस सामान का इंतजाम करना है, बाकी जो हम दे देंगे ले लेंगे, वो तुम्हारे यहाँ का हलवाई की तरह नहीं है जो भारी भरकम बिल बना देगा। उनकी बातचीत में खलल पड़ती है। अब करोड़ी चाय के 3 कप प्लेट में लेकर बाहर आता है, लो भाभी जी जानदार शानदार चाय। प्रिया मुस्कुराते हुए चाय का कप ले लेती है, कुछ अनमनी सी होकर चाय के घूंट हलक के नीचे उतारती है। करोड़ी की देह से आती दुर्गंध जैसे चाय के कप में समाई हो, पर नहीं, चाय तो बहुत ही जायकेदार बनी है, इतनी कि प्रिया खुद को रोक ही नहीं पाती और करोड़ी से मुखातिब होती है। इस बार बहुत अपनेपन से बोलती है, अरे वाह करोड़ी जी चाय तो बहुत ही शानदार है, मैं भी रोज इसी चाय पत्ती से चाय बनाती हूँ पर आज तक तो ये मजा नहीं आया। अरे भाभी जी यो तो करोड़ी रो नुस्को है शानदार। अच्छा क्या नुस्खा है बताइए तो जरा। चाय बनने के बाद ऊपर से हल्की सी कॉफी डाल दो फिर लो मजो, पूरा देसी ठसक के साथ करोड़ी ने कहा। उनकी बातों में बीच में दखल देते हुए सुधांशु कहा, अरे करोड़ी जी घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको। अरे नहीं भाई साहब निक्का पहुंच गए एकदम। प्रिया मैं दफ्तर के लिए तैयार होता हूँ, तुम करोड़ी जी से बात करके तय कर लो क्या बनना है। करोड़ी बोलता है, भाभी जी 1 कप चाय और बना लो पहले, जब तक सुबह 3-4 चाय कोनी पियो दिमाग काम कोनी करे। हाँ हाँ बना लो, बिस्किट भी रखे हैं रसोई में ले लेना चाय के साथ। अरे बिस्किट कोनी चाहिए भाभी जी, रात्रि ठंडी रोटी या पराठा ही दे दो। प्रिया ने उसे रात का पराठा दिया। वो कुछ बोलती उससे पहले करोड़ी ने कहा, थे बैठो मैं देख लेती हूँ अब। प्रिया फिर से अपने काम में लग गई और करोड़ी अपने चाय और पराठे में। करोड़ी ने चाय पीकर चाय के बर्तन भी साफ कर दिए और फिर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठकर नीचे पीछे कालीन सोफे पे ना बैठकर नीचे पीछे कालीन पर ही बैठ गया। आओ भाभी जी अब बताओ काय काय बनाना है। प्रिया सारा मेन्यू से बताती जाती है और फिर इधर उधर की बातें भी शुरू होती है। प्रिया को अब देसी ठरे की गंध ज्यादा परेशान नहीं करती, अब अच्छा लगने लगा था शायद करोड़ी उसकी बातें। उसे करोड़ी अब काम का आदमी लगने लगा जो उसके बेटे के जन्मदिन पर अच्छा खाना बना सकता है। उसका बेटा 8 साल का होने वाला है, उसके चेहरे पे चमक आ जाती है। बच्चे कितने जरूरी होते हैं जिंदगी के लिए, खुशी के लिए। अब वो करोड़ी से पूछती है, करोड़ी जी आपके कितने बच्चे हैं, शादीवादी हो गई ना। अरे भाभी जी 9 साल को तो जदी शादी होगी हमारी, तो 4 बेटा और 2 बेटी है। प्रिया हैरानी से सुनती जाती है और वो बोलता जाता है, बड़ो ही बड़ो
दिलीप कुमार, पाछे जितेंद्र, पाछे मनोज, राजेश, बेटिया रेखा और मनभर, हंसते हुए प्रिया। क्या बात है करोड़ी जी, आपने तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री जमा कर ली, पर ये मनभर, ये क्या नाम हुआ? अरे भाभी जी, टाबरों से मन भर दो, जीके सुबी को नाम मन भर काट दियो। आज का खाना करोड़ी ने ही बनाया, प्रिया को रसोई में घुसने भी नहीं दिया। प्रिया को बहुत राहत मिली। रुद्राक्ष के स्कूल के आने का समय हो गया था, करीब 2 बजे आता है वे, और उसके आने तक तो करोड़ी खाना खा के सो गया वहीं कालीन पर। रुद्राक्ष ने घर में घुसते ही बैग बाहर आंगन में पटका, ड्राइंग रूम में टीवी चलाने के लिए भागा, लेकिन किसी को सोता देख उल्टे पैर ही वापस निकल गया। मम्मा ये कौन है? बेटा ये हलवाई जी है, आपके बर्थडे पर खाना यही बनाएंगे। अरे मम्मा इनके खर्राटे सुनो, कितने भयंकर है। प्रिया का ध्यान भी उनके खर्राटों की ओर चला गया और जोर से हंसी। दरअसल करोड़ी अपने मोबाइल पर गाने चलाकर सो गया। राजस्थानी गाने चल रहे थे और इन गानों के साथ ही करोड़ी के खर्राटे मिलकर कुछ अलग ही संगीत बना रहे हो। रुद्राक्ष भी वैसा ही आवाज निकालने की कोशिश करने लगा और दोनों बहुत जोर से हंसी छूट गई। चुप, सोने दे उन्हें थोड़ी देर, प्रिया बोली, चल खाना खा ले। प्रिया ने खाना खाया। दोनों साथ ही खाना खाते हमेशा रुद्राक्ष के स्कूल से आने के बाद। डाइनिंग टेबल पर अब दोनों माँ बेटे आमने सामने बैठे। मम्मा आज सब्जी बहुत टेस्टी बनाई आपने। मैंने नहीं बनाई, हलवाई जी ने बनाई है। तुझे मेरे हाथ का पसंद नहीं आता ना, तू कभी मेरे हाथ का खाना खाकर तो नहीं बोला? अरे नहीं मम्मा, आप तो बहुत अच्छा बनाती हो, पर आज कुछ अलग ही टेस्ट है ना। माँ बेटे दोनों खाना खा लेते हैं, तब तक करोड़ी की नींद भी पूरी हो जाती है। करोड़ी ड्राइंग रूम से ही आवाज लगाता है, भाभी जी भाभी जी। प्रिया आवाज की ओर चल देती है, पीछे पीछे रुद्राक्ष भी। अरे छोटे भाई साहब। हाँ करोड़ी जी, ये रुद्राक्ष है, इसी का जन्मदिन है। अरे वाह, करोड़ी इसकी तरफ प्यार से देखकर कहता है। और बाबू साहब, खाने में मजा आयो कि नहीं आयो? अरे भाभी जी, रुद्राक्ष हंस देता है, कोई जवाब नहीं देता है। भाभी जी बहुत कमजोर है, ये तो 1-2 महीने गांव की हवा खिला दो, माँ को साग साग सब्जी, दूध दही मक्खन, सेहत बन जाएगी बाबू जी की। रुद्राक्ष भी कमरे से हंसते हुए बाहर चला जाता है। रुद्राक्ष के जन्मदिन पर 200 लोगों का खाना अकेले करोड़ी ही बनाता है और इतना लजीज कि सभी को बहुत पसंद आता है। जन्मदिन वाली रात करोड़ी वहीं रुक गया और अगले दिन जब विदा होने को था तो सुधांशु से बोला, भाई साहब हमारे वास्ते कोई हलवाई गिरीरो काम ढूंढ दो, गांव में तो कोई कमाई भी नहीं, बस दाल रोटी रो जुगाड़ हो जाए। करोड़ी जी देखता हूँ मैं, एक तो आप अपना विजिटिंग कार्ड छपवा लो, मुझे भी दे देना, किसी को कोई काम होगा तो आपका कार्ड दे दूंगा, यहाँ तो आए ही दिन कोई ना कोई पार्टी होती रहती है। अरे कार्ड तो है मेरे पास, करोड़ी ने 8-10 कार्ड निकालते हुए दिए। अब करोड़ी प्रिया से बोला, भाभी जी कोई छोटे भाई साहब का पुराना कपड़ा लत्ता मने दे दो, कोई स्कूल बैग टिफिन, टाबर खुश हो जासे। प्रिया अंदर जाती है और सुधांशु को आवाज लगाती है, अरे पुराने कपड़े देने का मन नहीं होता, मैं ऐसा करती हूँ पास से टी शर्ट खरीद लाती हूँ। अरे दे दो ना प्रिया पुराने कपड़े, वो चलाकर मांग रहा है ना, टी शर्ट फिर कभी ला देना, अभी दे दो, बेचारा गरीब आदमी है, दुआएं देगा। कितना बढ़िया खाना खिलाया है तुम्हारे मेहमानों को, सुधांशु ने कहा। प्रिया ने आंखें थोड़ी गोल करते हुए कहा, अरे तो मैं कब देने से मना कर रही हूँ, पर अच्छा लगता है क्या ऐसा? और बच्चे आजकल किसी के पुराने कपड़े पसंद नहीं करते, और हलवाई तो खूब कमाते हैं। अरे तुमने देखे कहाँ है अभाव, मैडम निकाल दो उस कपड़े छाट कर। करोड़ी जी कमाते तो बहुत है पर बहुत लापरवाह है, दारू की आदत है। अपनी शादी से पहले तो सारी रिश्तेदारी में जब भी काम पड़ता था यही खाना बनाते थे, पर एक बार बुआ जी के यहाँ सवा मणि का काम था, सारा काम अच्छे से हो गया, बस घर वाले ही बचे थे खाने के लिए कि करोड़ी जी दारू पीकर आ गए और फैल गए, तब से उन पे कोई भरोसा करता ही नहीं है। अरे तो तुम फिर इन्हें ही पकड़ कर क्यों लाए अपने काम के लिए, बर्थडे खराब कर देता तो? पर करा तो नहीं ना, ये तो मोड़ते भी ना, जो हुआ नहीं उसका रोना लेकर पहले ही बैठ जाती हो। मेरे पास नहीं थे अभी इतने पैसे, तुम जानती हो ना कब तक किराए के मकान में रहना है, तो 2-4 हजार से फर्क क्या पड़ जाता, घर आ जाता क्या, खींचते हुए प्रिया बोलती है।
सुधांशु की आवाज भी थोड़ी ऊंची होती है। तो कोई लॉटरी भी तो नहीं लग सकती ना मैडम, यही दो चार इकट्ठे करके डाउन पेमेंट का जुगाड़ कर रहा हूँ। कितना कि जितना किराया देते हैं उतनी किस्तों में तो घर आ जाएगा, बस 5 लाख हो जाए। फिर कोई घर का ढंग का काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? मुझे क्या करना है मैं देख लूंगा। अभी तुम कपड़े निकालो और उनका हिसाब कर लो। सुधांशु बड़बड़ाते हुए बाहर आ जाता है। बड़बड़ाना प्रिया का भी जारी रहता है। प्रिया बेटे के छोटे ही हुए कपड़े ले जाती है और साथ ही अपनी एक साड़ी भी जो उसने आज तक पहनी नहीं थी, शायद अपना गिल्ट कम करना चाहती हो। साड़ी देखते ही करोड़ी बोला, अरे म्हारी लुगाई तो घाघरा लुंगी पहने, पर थे दे दो, म्हारी बड़ी बेटी सूट सिल लेसी। ठीक है करोड़ी जी, प्रिया को कुछ तसल्ली हुई। करोड़ी अब अपने कमरे से बाहर आ चुका, लेकिन घर के मुख्य गेट से बाहर निकलने से पहले उसकी नजर जूतों की रैक पर गई। भाभी जी, ये पुराने जूते आपके काम नहीं आए तो मैं ले जाऊं, क्योंकि जूतों पर धूल का साम्राज्य जम रहा था जिसको देखकर अंदाजा लगा ही लिया था करोड़ी ने। प्रिया ने एक नजर सुधांशु पर डाली। सुधांशु की आंखें जैसे बोल रही हो, दे दो ना बेचारा, गरीब आदमी है, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। प्रिया एकदम झटके से बोली, हाँ हाँ करोड़ी जी आप ले जाओ। अपने पिटारे में करोड़ी जूते जूते भी समेट लेता है और हंसते हुए निकल जाता है। करोड़ी अब अक्सर आने जाने लगता है और पुरानी चीजें एक एक करके ले जाता है, बेचारा गरीब आदमी। एक रोज प्रिया ने कहा, सही कहा है किसी ने, नाम से कुछ नहीं होता, करोड़ी नाम है और कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं बेचारे को। प्रिया का मन अक्सर पसीज जाता और करोड़ी के स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे इसलिए वो कभी उससे अचार डलवा लेती, कभी लड्डू बनवा लेती। बदले में करोड़ी कभी चाय के पुराने कप ले जाता, कभी पुरानी चादर, पुरानी प्रेस, पुराना टीवी। धीरे धीरे सारी पुरानी चीजें करोड़ी के हवाले होती जा रही थी और करोड़ी खुद उसी जो भी काम होता कर देता। कभी कभी तो वो गांव से छाछ भी लेकर आ जाता। प्रिया खूब कहती, मत लाया करो खट्टी छाछ। अरे भाभी जी, राबड़ी बन जाएगी इसकी, पी लो पहले जितनी पीनी हो, देसी माल है। करोड़ी का छाछ लाना, प्रिया का मना करना और करोड़ी का राबड़ी का बखान करना जारी रहा। करोड़ी छाछ लेते हुए सीधे रसोई में पहुंचता और शुरू हो जाता, अरे भाभी जी बाजरे रो आटो दे दो, अबार बन जासी 2-3 दिन, आराम से नाश्ता करियो, 2 मिनट री मैगी सो चोखी है हमारी राबड़ी। प्रिया हंसने लग जाती, उसे कैसे कहे कि उसके जाने के बाद बस वो उस राबड़ी को इधर उधर ठिकाने में लगाने की सोचती है। उसे लगता है कि इनकार किया तो करोड़ी यानी बेचारा गरीब आदमी कुछ सामान लेने में झिझकेगा। इस बार करोड़ी कुछ मांगने नहीं आया था, छाछ भी नहीं लाया था, वो न्योता देने आया था। उसके छोटे बेटे का मुंडन संस्कार होने वाला था। 2 दिन भी नहीं हुए थे इस न्योते को मिले, एक दिन सुबह पहले फोन घनघना उठा। सुधांशु ने 2-3 बार हेलो हेलो कहा और उधर से आती हुई आवाज को पहचानते हुए कहा, हाँ बोलो बेटा ठीक तो है। सुधांशु के बोलने का लहजा प्रिया को जता गया कि कहीं कुछ ठीक नहीं। उसने सुधांशु की ओर देखा और एक शब्द मुंह से निकाले बिना सवाल किया। सुधांशु ने बताया कि करोड़ी का एक्सीडेंट हो गया। क्या क्या हुआ, कैसे एक्सीडेंट हो गया? क्या कैसे पता नहीं, उसके बेटे का फोन था, अब बच्चे से मैं क्या पूछता। वैसे ही बहुत रुआंसी सी आवाज आ रही थी, हे भगवान ज्यादा चोट ना आई हो, सुनो कुछ करना चाहिए हमें उसके लिए। अब की बार प्रिया ने बोला, जा रहा गरीब आदमी है, चलते हैं उनके यहाँ, तुम्हारे पास रखवाए थे ना 5,000 रुपये अलग से, वो ले लेना, जरूरत होगी उन्हें। प्रिया जल्दी से अपने घर के काम निपटाने लगी। रुद्राक्ष के स्कूल से आने के बाद दोनों ने उसे पड़ोसी के यहाँ छोड़ा और करोड़ी के गांव सिंहपुरा के लिए रवाना हो गए। कच्चे पक्के रास्तों पर उनकी कार दौड़ी जा रही थी, लेकिन शायद कार को पता था कि कहाँ जाना है और ना ही सुधांशु को। सुधांशु ने एक राहगीर पता पूछा और उसके बताए रास्ते के मुताबिक आगे बढ़ने लगे। सुधांशु कुछ देर उसी अनुसार गाड़ी बढ़ाता रहा। उसे फिर लगने लगा, से पूछा, क्यों भाई सिंहपुरा ही है ना? हाँ जी भाई जी, आपने उनके जाना है? करोड़ी लाल हलवाई जी के, भाई जी मैंने भी बैठा लो, मैं
बैठी है, वो भी चाहता है, बोल देता हूँ उसकी बात का कुछ सहते होगा। अब बाम कह रहा हूँ, गलत कह रही हो उसे, पीने पीने में ही खराब हो गयो, सब कुछ है भगवान की मेहरबानी से। सिंहपुरा में सबसे ज्यादा जमीन ही बी के पास है, दो दो ट्रैक्टर, खेती बाड़ी, गाय भैंसा, दो दो मोटर साइकिल, और 1 एकड़ जमीन पर बबूल सागवान का पेड़, 10-10 हजार का पेड़ हो जी, एक एक कोई 100 से ऊपर तो हुसी भी के पेड़। अब काहे जाने कि क्यों ऊपर करवा दियो, पर जो दारू पी भी ने कर लियो। रास्ते भर वो करोड़ी की जमीन दिखाता रहा और उसकी संपत्ति का बखान करता रहा। गाड़ी में आगे बैठे प्रिया और सुधांशु कभी पीछे मुड़कर उसे देखते और अभी एक दूसरे को। गाड़ी अब करोड़ी के घर के आगे रुक गई और गाड़ी से उतरते हुए प्रिया ने अपने पर्स को गाड़ी में ही छोड़ दिया। तो ये थी मेरी कहानी करोड़ी। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो आप मेरे साथ बने रहे और मुझे सुना, और जन सरोकार मंच को भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। ये मेरी पहली कहानी जो थी वो 3 घंटे, उसमें यही बोलना चाह रही थी कि हम जाने अनजाने कितने नेगेटिव थॉट से अचानक घिर जाते हैं और इतने हावी हो जाते हैं कि हम अपना आगा पीछा सोच ही नहीं सकते। वो कहानी में तो एक सुखद अंत था, पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव थॉट्स के चलते अपना जीवन लगभग समाप्त ही कर लेते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ इस कोरोना के चलते, इस कोरोना के टाइम पे, कि आप सोच पॉजिटिव रखें अपनी, रिपोर्ट नेगेटिव आनी चाहिए बस। और करोड़ी की कहानी से, हालांकि ये कहानी मैंने बहुत पहले लिखी थी जब लॉकडाउन नहीं था और कोरोना का कोई जिक्र नहीं था, ये कहानी तब लिख दी थी मैंने तो, पर कोरोना टाइम पे मैंने देखा है लोग बहुत जो दूसरे की सहायता करने में हमेशा आगे रहे हैं, बहुत से लोगों ने मदद की है और बहुत से ऐसे मंच हैं जिन्होंने हमेशा आगे बढ़ के लोगों की सहायता की है। पर कई बार हमसे ये समझने में चूक हो जाती है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमें दिखाई देता है वो सही नहीं होता। गरीब इतने गरीब नहीं होते और अमीर भी इतने अमीर नहीं होते। बहुत से लोग होते हैं जो अपनी अपनी इच्छाओं को कम करके और जीवन को, जीवन में सब कुछ जोड़कर आगे बढ़ते रहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी लाइफ को हाई फाई बनाने के लिए मोबाइल भी किस्तों पे आ रहा है, घर किस्तों पे, कार किस्तों पे, और इस तरीके से सब चीजें किस्तों पे ही आ जाती है। तो बस यही है कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, रिपोर्ट नेगेटिव लाए बस। धन्यवाद।